भारत ने अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में काफी सुधार किया है, जो पिछले साल से 5 स्थान ऊपर है। अब नए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। The Henley Passport Index ranks all of our passports according to the number of countries that we have visa-free access or visa on arrival access to. And so if you look at the Indian passport currently, it has a score of only 57 jurisdictions out of a possible 227 where Indian passport holders can access without a prior visa. And that gives them a global ranking of just 80 currently. भारतीय अब बिना वीजा के 57 जगहों की यात्रा कर सकते हैं। भारतीयों को अभी भी अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसे 177 देशों में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। See, whatever glamour or whatever hype which was once associated with the American passport, the same hype is associated with the Indian passport now. You could not imagine 10 years ago that there could be provision of visa on arrival or visa-less travel for 57 countries just by using an Indian passport. अगर मैं फिटनेस की लैंग्वेज में बोलूं तो एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया नीचे से करता हुआ आ रहा है और इतना सक्षम हो गया है कि पासपोर्ट ही नहीं कंट्रीज वीजा भी हमें इजी अवेलेबल करते हैं। मतलब हमारा ट्रस्ट और इकोनॉमिक पावर इतना अच्छा हो गया है कि कंट्रीज चाहती हैं कि हम उनको बिजनेस दें, हम वहाँ विजिट करें। तो इट्स वेरी गुड कि इनिशियल स्टेजेस पे जो हम परेशानियां झेल रहे थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है और इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो वीजा की गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दी है कि अदर कंट्रीज में जाकर जो 57 कंट्रीज में जाकर ऑन अराइवल वीजा मिलेगा उससे बेनिफिट ये होगा, ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, हम लोग बिजनेस के लिए आ जा सकते हैं और हमारा काफी कुछ बदल जाएगा। और वीजा के लिए बहुत टाइम लगता था, वहाँ से कहीं इनविटेशन लेना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी, वो सारी तकलीफ अभी खत्म हो जाएंगी। नई रैंकिंग में सिंगापुर ने जापान को शीर्ष स्थान से हटा दिया और उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इससे सिंगापुर के लोगों को 192 देशों में बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति मिलती है।